जैसे कि आप सभी को पता था कि इससे पहले मैंने वीडियो डाला था 5 किलोमीटर को लेकर, जैसे एसएससी जीडी की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो 5 किलोमीटर का कैसे तैयारी करना है उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, बहुत सारे पार्ट्स बाय पार्ट्स में डिवाइड किया है, डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, सारा कुछ। तो यहाँ पे एसएससी जीडी का जैसे मैं बताना चाहूँगा, इलेक्शन होने के बाद जस्ट आपका दौड़ होने जा रहा है, तो उसको कैसे आप प्रैक्टिस करना है, मुश्किल से यहाँ से 15 दिन बचा हुआ है, तो यहाँ पे आपको स्पीड वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ कि 5 किलोमीटर का स्पीड वर्कआउट प्लान। अगर आप इस वर्कआउट प्लान को फॉलो करते हैं 100% आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। जैसे आपका टाइमिंग अगर 20 मिनट में आके रुक गया है, 22 मिनट में आके रुक गया है, या फिर 23-25 मिनट में आके रुक गया, तो आप इस वर्कआउट प्लान को फॉलो कीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मतलब स्पीड है वो और डेवलप होगी, जिसके कारण आपका टाइमिंग 18 मिनट, 17 मिनट या 16 मिनट भी आ जाएगा। तो इस वर्कआउट प्लान को फॉलो करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जब ग्राउंड जाते हैं नॉर्मली स्ट्रेचिंग जरूर करें अच्छे तरह से, स्ट्रेचिंग करने के बाद इस वर्कआउट प्लान को डायरेक्ट फॉलो करें, क्योंकि इसमें ही मैंने वार्म अप वगैरह सारा कुछ डाल दिया है। वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद कूलिंग डाउन कर सकते हैं 5 मिनट के आसपास, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 5 मिनट कूलिंग डाउन कंप्लीट करने के बाद फिर आपको अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग करनी है। यहाँ पे बात करें अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, स्पीड वर्कआउट प्लान अपने लेवल के हिसाब से बनाना चाहते हैं, या कोई भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर, एसएससी जीडी, या फिर कोई स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इस 2 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिसकी फी आपको लगेंगे मात्र 499 रुपया। अब चलेंगे यहाँ पे वर्कआउट, आप कॉपी कलम निकाल सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ आपको स्क्रीनशॉट लेने से बेनिफिट नहीं मिलेगी, पूरा समझने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे मंडे को, आपको ग्राउंड जाने के बाद स्ट्रेचिंग करने के बाद 10 मिनट स्लो रनिंग करना है। 10 मिनट स्लो रनिंग करने के बाद आपको 600 मीटर के 4 रेपिटेशन लगाने हैं। अब जो 600 मीटर का 4 रेपिटेशन लगाना, उसका टाइमिंग 1:50 तो मैंने लिख दिया है, लेकिन सभी का इतना नहीं आएगा, इससे कम भी आ सकता है, किसी का इससे ज़्यादा भी आ सकता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोशिश यही करना है कि आप को अपने लेवल के हिसाब से 80-90% के आसपास आपको एफर्ट झोंकनी है, मतलब जोर लगाना है, और इस तरह से आपको 600 मीटर के 4 रेपिटेशन लगाने, जिसके बीच में आप 4 मिनट या फुल रिकवरी ले सकते हैं। शाम को आपको 10 मिनट रनिंग करना, उसके चेस्ट वर्कआउट करना है, ताकि हमारा हैंड मूवमेंट्स डेवलप हो, साथ ही साथ हमारे हाथों में पावर आए और हमारे अपर बॉडी में पावर आए। वहीं पर आपको ट्यूजडे को आपको 35 मिनट रनिंग करनी है। 35 मिनट रनिंग करने के बाद आपको कोर वर्कआउट करना है। कोर वर्कआउट के ऊपर मैंने डिटेल में यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना रखा, जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। वहीं पर शाम को आपको 10 मिनट रनिंग करनी है, और 10 मिनट रनिंग करने के बाद आपको 100 मीटर के 10 रिपीटेशन लगाने हैं। 10 मिनट जो रनिंग है आपका, ये वार्म अप फेज है, ठीक है, इसमें बॉडी को स्लो स्लो चलाइएगा, वार्म अप करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आपको 100 मीटर के 10 रिपीटेशन लगाने हैं, जिसके आपको एफर्ट लगाना 80-90% एफर्ट लगाना, मतलब जोर लगाना है, ठीक है। ये करने के बाद अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग आप जरूर करें, इससे आपको काफी ज्यादा डेवलपमेंट मिलेगी। वेडनेसडे को आपको 10 मिनट रनिंग करना है, 10 मिनट रनिंग करने के बाद ये वार्म अप फेज है, उसके बाद यहां पे आपको स्लो फास्ट ट्रेनिंग करना है। स्लो फास्ट ट्रेनिंग आपको किस तरह से करना मैं बताना चाहूंगा, जैसे ये ग्राउंड है 400 मीटर का, या फिर ये एक रोड है, ठीक है, ये ग्राउंड है 400 मीटर का, तो यहाँ पे आप जो स्ट्रेट होता है इसमें फास्ट करना है, 80-90% आपको एफर्ट लगाना है, और फिर ये कर्व जैसे आता है यहाँ पे आपको स्लो करना है, ठीक है, फिर इधर फास्ट, इस तरह से कंटिन्यू आपको कितने मिनट तक करने हैं, इस तरह से कंटिन्यू आपको 10 मिनट तक करने हैं, 10 मिनट के आपको 2 बार लगाने हैं। 10 मिनट लगा लिए, जैसे 10 मिनट आप स्लो फास्ट कंटिन्यू कर लिए, उसके बाद आप 4-5 मिनट रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद फिर 10 मिनट लगाइए, इस तरह से आपको 2 बार करने हैं। और रोड है तो 100 मीटर फास्ट, 100 मीटर स्लो, 100 मीटर फास्ट, इस तरह करते करते 10 मिनट तक इधर से चले जाइए, और वहां जाके एक समय जाके कहीं पर रेस्ट लीजिए 5-6 मिनट का, फिर इधर से 10 स्लो फास्ट करते हुए 10 मिनट तक कंटिन्यू कीजिए। तो इस तरह से कुछ आपको करनी है रनिंग। शाम को आपको 20 मिनट रनिंग करनी है, और एबीसी ड्रिल करनी है। एबीसी के ऊपर यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रखा हूं, जाके उसे चेक कर लीजिएगा, डिटेल में वीडियो बनाया हूं। थर्सडे को आपको क्या करना है, 5 किलोमीटर का टाइम ट्रायल करना है। ठीक है, जब भी हमारा कंपटीशन नजदीक आता है तो हमारे भी कोचेस जो थे वो हमारा टाइम ट्रायल लेते थे कि हाँ जो वर्कआउट किया है बच्चा कर रहा है उसे इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आपको 5 किलोमीटर का टाइम ट्रायल लेना है। नॉर्मली 10 मिनट पहले वार्म अप कर लीजिए, 5 मिनट वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद आपको 5 किलोमीटर एकदम फुल एफर्ट के साथ लगाना है। ऐसा कोशिश करना कि हम कंपटीशन भाग रहे हैं। शाम को आपको 10 मिनट रनिंग करनी है, और कोर वर्कआउट करनी है, पेट वाली एक्सरसाइज, वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, चेक कर लेना। फ्राइडे को आपको सुबह 10 मिनट रनिंग करनी है, उसके बाद 2 किलोमीटर के 2 रेपिटेशन लगाने हैं। इसको भी 80-90% एफर्ट में लगाना है। मतलब स्पीड वर्कआउट में क्या होता है, हमारा इंटेंसिटी मतलब हमारा जोर जो होता है उसे बढ़ाना है। ठीक है, हमारा जो जोर होता है उसे बढ़ाना है, और इसके बीच में आपको फुल रिकवरी लेना है। कोई मैंने टाइम नहीं दिया, किसी के बच्चे का 3 मिनट में 4 मिनट में फुल रिकवरी हो जाएगा, किसी का 10 मिनट में भी होगा। तो इस तरह से आपको फुल रिकवरी लेकर 2 किलोमीटर का 2 रेपिटेशन लगाना है। शाम को आपको नॉर्मली रेस्ट करना है, ग्राउंड जा सकते हैं, ग्राउंड जाके जॉगिंग वगैरह कीजिए, टहल वगैरह के आजिए, या स्ट्रेचिंग वगैरह करके आप नॉर्मली आ सकते हैं। सैटरडे को आपको सुबह 40 मिनट रनिंग करनी है, थोड़ा स्पीड में करना है, 40 मिनट में कम से कम कोशिश करना है 10 किलोमीटर भागने का। ठीक है, 10 किलोमीटर का टारगेट लेकर चलना है, और 80-90% एफर्ट
लगाना है, थोड़ा हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे अपने इंडोरेंस को बिल्डअप करने का, ठीक है, और अच्छे तरह से स्ट्रेचिंग कर ले। शाम को आपको 15 मिनट रनिंग करना है और ABC वर्कआउट करनी है। ABC वर्कआउट के ऊपर डिटेल में वीडियो मिलेगा, जाके चेक कर लीजिएगा। संडे को आपको सुबह 10 मिनट रनिंग करनी है, उसके 5 किलोमीटर का फिर से हमको टाइम ट्रायल लेना है 80-90% एफर्ट लगा के, ठीक है। और शाम को अच्छे तरह से रेस्ट लीजिए, क्योंकि शाम को हम 2 दिन रेस्ट दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा बॉडी 1 वीक में रिकवर हो जा रहा है। जरूरी नहीं है कि हम पूरा 1 दिन का रेस्ट ले तो हमारा बॉडी रिकवर होगा, हम पूरा हफ्ता में ऐसा डिवाइड करेंगे वर्कआउट प्लान को या फिर वर्कआउट को, जिससे क्या होगा कि हमारा बॉडी रिकवर भी होगा और हम वर्कआउट को भी कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने खुद ट्रेनिंग किया हुआ एक अच्छे कोचेस के पास, NSNIS कोच के पास, वो हमें इसी तरह से कुछ ट्रेनिंग देते थे, हमारे बॉडी में लोड देते थे, लास्ट समय में हमारे हिसाब से लोड देते थे ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा आता था, हमारा बॉडी खुलता था। एक समय ऐसा होता था ना वर्कआउट करते, जैसे हम लोग भी करते हैं या फिर आप लोग भी करते होंगे, तो आप लोग को ऐसा लगता होगा वर्कआउट कर रहे हैं भैया बहुत लोड आ रहा है, टाइमिंग पहले मेरा अच्छा था लेकिन कम हो गया है, तो उसे हम कैसे रिकवर करें। आप कन्फ्यूज होते हैं ये वर्कआउट हमको सूट नहीं कर रहा है, बिल्कुल ऐसा आप गलत हैं। वर्कआउट आपको सूट कर रहा है, आपके बॉडी में लोड आया हुआ है, आपके मसल्स में फटीग आया हुआ है। आप इंडोरेंस रनिंग जब करते हैं तो आपका स्पीड कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है, जब वहीं आप स्पीड वर्कआउट को फॉलो कर लेते हैं 15 दिन 20 दिन या 1 महीना के आसपास, तो आपका स्पीड एकदम अचानक से पिकअप होता है, आपका ग्राफ ऐसे चलता है, जब ऑक्सीजन करते हैं तो डाउन चले जाता है, फिर जब स्पीड वर्कआउट में आते हैं तो आपका ग्राफ ऐसे ऊपर की ओर जाता है, ये आपका पिकअप मतलब कंपटीशन पीरियड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको वर्कआउट प्लान को फॉलो करना चाहिए। अगर आप इस वर्कआउट प्लान को फॉलो करते हैं तो 100% रिजल्ट मिलती है, और रिजल्ट मिलता है तो कमेंट जरूर कर देना, और साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए कॉल कर लेना, और डेली अपडेट के लिए मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो करके रखना, फेसबुक को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना डेली अपडेट के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।